देखिए इतना सारा परोठा बन चुका है और काफ़ी लोगों ने खा भी चुके हैं और अब लास्ट है, दो तीन परोठा और बचा है। तो फ्रेंड्स परोठा बनके रेडी है, सब लोग खा चुके हैं और हम अभी रह गए हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी बज रहे सुबह के 10:30 और आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ मैं यहीं से। सुबह का साफ सफाई हो गया है, डस्टिंग करना रह गया है और आज फिर से मेरा व्रत है, गुरुवार का व्रत, जो कि मेरा रेगुलर हर गुरुवार को होता ही है 12 महीना। तो सबसे पहले मैं अभी जाऊँगी बाज़ार पूजा का सामान लेने और दोपहर को क्या बनाना है उसके लिए भी कुछ सामान लेना है। तो चलिए सबसे पहले चेंज कर लेती हूँ और बाजार करके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और ये देखिए जिमी, जिमी ये कौन से सोने का टाइम है बेटू? हैं, कौन से सोने का टाइम है? बाप रे बाप, सुबह 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 घूमोगे फिरोगे, अभी सो रहे हो, रात भर घूमता रहता है। हम लोग सब अपने अपने रूम में सोते हैं और ये कभी इस रूम में, कभी उस रूम में, कभी पापा के पास, कभी भैया के पास, ऐसे करती और दिन में देखो सो रही है। हैं बाबू, मैं जा रही बाजार, तुम घर का ख्याल रखना। ओके ओके ओके, ओ मेरा बाबू रे सोना। तो फ्रेंड्स मैं बाजार करके आ गई हूँ और वही डेली पूजा पाठ के सामान और कुछ खाने पीने का सामान था, इसलिए डेली दिखाती हूँ, आज नहीं दिखाया। और मैंने खाना भी बना लिया है, तो चलिए दिखाती हूँ क्या आज मैंने बनाया है। तो आज मैंने खाने में बनाया है बड़ी बड़ी और आलू की सब्जी, वेज खाना बनाया है और दिखाती हूँ। ये देखिए छोटी छोटी बड़ी और आलू की सब्जी, टमाटर अदरक और हरी मिर्च पीस के बनाया है, बहुत टेस्टी लगती है। और आज गुरुवार है तो वेज भी हो गया है। और बनाया है चावल कुकर में बनाया आज, तो थोड़ा जल्दी था इसलिए बना लिए हैं। तो आज दोपहर के लंच में हमारा यही खाना है। तो खाना मेरी बन चुकी है, आज सुबह सुबह मैंने खाना बना लिया क्योंकि पूजा मेरा थोड़ा सा लंबा होता है और लड़का स्कूल से आ गया है तो वो कभी भी खाना मांगेगा, फिर मैं पूजा के बीच में उठ के खाना उसको दे नहीं सकती, तो इसीलिए जल्दी जल्दी खाना बना लिया। और अभी घर साफ सुथरा करना बाकी है, झाड़ू पोछा बर्तन तो सुबह हो जाता है, बाकी घर साफ करना, दोनों बेडरूम साफ सुथरा करना, पूजा तो ऐसा घर में कर नहीं सकती। तो चलिए सबसे पहले घर पूरा साफ सुथरा कर लेते हैं। तो मैंने कहा था कि मैं नैनीताल घूमने गई थी, उस जगह के बारे में आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँ, कैसे आप लोग जा सकते हो कम खर्चे में। और ऐसे तो टाइम नहीं मिलता लेकिन मैंने सोचा काम करते करते थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लूं। अगर आप चाहते हो कि कहीं आप घूमने जाओगे सस्ते में अच्छा जगह, तो आप बिल्कुल नैनीताल जा सकते हो, बहुत खूबसूरत है, जन्नत है। कश्मीर जितने अच्छे है नैनीताल भी उतना ही अच्छा है। कश्मीर हम जा नहीं पाते, थोड़ा दूर पड़ जाता है, नैनीताल दूर नहीं है, यहाँ से रात को बस लोगे सुबह तक आप पहुँच जाओगे। कश्मीर भी बहुत अच्छा जगह है, जन्नत है, लेकिन यहाँ नैनीताल भी स्वर्ग से कम नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ से हम गए कैची धाम। जब हम कैची धाम में गए तो हमें इस मंदिर के बारे में कुछ पता भी नहीं था कि इतना मान्यता वाला कैची धाम है। जब वहाँ पे गए हम दर्शन करने तब हमें ये पता चला। तो सच में हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं, लोग यहाँ आना चाहते लेकिन आ नहीं पाते और हम बिना अनजाने में मंदिर पहुँच गए। हमें लगा कि मंदिर है चलो दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन बहुत आत्मा को बहुत सुकून मिला और इतना कुछ सुन के तो और अच्छा लगा। तो ज़्यादा खर्चा नहीं है, बस में भी जा सकते हो तो वहाँ पर एक बार ज़रूर जाओ। और काठगोदाम से 20 किलोमीटर है कैची धाम, तो आप 3-4 बजे तक पहुंच जाओगे वहां पे और दर्शन करके शाम तक फिर वहां से नैनीताल निकल सकते हैं। नैनीताल में अभी बहुत खूबसूरत घूमने के जगह है, नैना माता का मंदिर है और ऊपर जाओगे तो वहां से साक्षात आपको कैलाश दर्शन होगा और लवर्स पॉइंट, बहुत सारे जगह है आप जाओगे। और जो घूमने वाला कार होता है, कार करोगे तो वो जो जिसके कार है वो अपने आप आपको सब जगह घुमा लेगा। और नैनीताल तो है ही खूबसूरत, वहाँ पे बोटिंग करिए और चारों तरफ घूमिए, शॉपिंग करिए, बहुत अच्छा लगता है। वैसे हम पहले भी एक बार जा चुके हैं, मुझे नैनीताल इतना अच्छा लगा कि मैं दोबारा गई। पहले मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी
और इस बार फिर इसलिए मैंने फिर गई कि आप लोगों को दिखाना था, तो उम्मीद करते हो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरी माने नैनीताल ना भी जाओ आप लोग, लेकिन कैची धाम आप लोग एक बार दर्शन। आप लोगों के साथ बातें करते करते यू टाइम बीत गया और काम भी मेरा हो गया, तो चलिए अब काम तो हो गया घर का, अब नहा धो के पूजा कर लेते हैं, पूजा करने के बाद फिर आप लोगों के साथ बातें करेंगे। तो चलिए, तो फ्रेंड्स मेरी पूजा हो चुकी है, तो चलिए अब प्रसाद खा लेते हैं। तो आज भगवान को 5 तरह का मिठाई और केला भोग चढ़ाया था, तो चलिए अब खाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने अपना खाना ले लिया है और ये रही आलू बड़ी, निर्मल खाया उसी प्लेट में मैंने भी खाना ले लिया, और तो चलिए खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और अभी भाभी का फ़ोन आया था और वो मुझे बुला रही है, तो चलिए चलते हैं। किस लिए बुलाए नहीं पता, वहाँ पे जाके ही पता चलेगा। तो बाय बाय जिमी, जिमी बाबू मैं जा रही हूँ। अनिर्मल तू नहीं जाएगा सच में है, पीसा बुला रहा है, पता नहीं मौसा, मौसा बुला रहा है, क्या बनाया है स्पेशल इसलिए बुला रहे हैं। ले, देखो कैसे देख रही है, ठीक है तेल ले आऊंगी फिर। टाटा बाबू, टाटा मम्मी जा रही है, बाय बाय। तो क्यों बुलाया मुझे इतने रात को है? आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो? इतने रात को ये क्या कर रही हो, साग सुबह बनाओगे? अच्छा पार्टी वार्टी है क्या घर में आज? पार्टी चल रही है। ओह आलू का पराठा है, तो आज अमित सब्जी पराठा बनाएंगे, बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं। सेफ सेफ है ना। और ये आलू का मटेरियल बहुत ही टेस्टी, आज खाएंगे आलू का पराठा इसलिए मुझे बुलाया है। और ये आटा पराठा बनने वाला है आज। ये तो पहले दिन बन कर रखा है। ए ओए तू रेडी कर, पता नहीं आएगा। और क्या स्पेशल है? साग बनेगा कल, आज तो नहीं बनेगा। स्पेशल क्या है? तो आलू का पराठा है और बाकी जो घर से। ओह ठीक है। हाँ हाँ राख किसे ना, तो ना ना कोनो राग नहीं। बच्चा बच्चा क्या हुआ? यही आया इसको पटी पटी। बच्चा पटी आया। हाय आयुष, हाय। बनाना अपना वो वाला पहन रखी हो ब्लैक? हाँ सही बात है, अलग 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 टी शर्ट है। 20 रुपए जमा दे आपके पैसे, 20 रुपए काटे। किसका टी शर्ट है ये, कैसे बनाया तुमने? तो ये देखिए हमारे घर में एक से एक कलाकार है, टी शर्ट को ब्लाउज बना चुके हैं, है ना? ब्लाउज है, टी शर्ट की तरह लग रहा है। हाँ इसको सिला हो, इसको सिले हो ना ऐसे ही है। ओ हाय हाय वर्षा, क्या हुआ तुम्हारा पॉटी लगा? पॉटी करोगे? तो देखिए आज हमारे घर में पराठा बन रहा है, परांठे परांठे, और अमित स्पेशल है ना, अमित स्पेशल पराठा, और ममता जी पराठा को सेक रही हैं। आज का पराठा जो बनेगा नंदोई के हाथ का पराठा स्पेशल, जब कोई अनोखा स्टाइल में बनाता है तो टेस्टी तो बनता ही है।
ये देखिए मेरे नंदो जी बहुत टेस्टी पराठा बनाते हैं, बहुत ही ज्यादा। तो आज लोग खाने के बाद अभी तो खाए पिए नहीं है, तो टेस्ट में पता नहीं, अभी खाएंगे तो फिर आप लोगों को बताएंगे इसका क्या टेस्ट है। तो देखो देखने में इतना स्वादिष्ट लग रहा है तो खाने में भी स्वाद लगेगा। तो चलिए सब बना लेते हैं, जब खाएंगे फिर आप लोगों से शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स पराठा बनकर रेडी है और मैं अभी खा रही हूँ। आज का पराठा बहुत ही स्पेशल है, अमित ने बनाया है पूरा मसाला आलू का। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं कैसा लग रहा है। टेस्टी टेस्टी तो बहुत होगा, मैंने थोड़ा सा आलू टेस्ट किया था। तो चलिए खाते हैं। और हाँ चटनी के बारे में बोलना ही भूल गई, और चटनी भी अमित ने बनाया है, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो फ्रेंड्स हम घर वापस आ गए हैं और बहुत ज़्यादा रात हो गई है, अभी 1:30-2 बज रहा है। तो आज का पराठा खा के बहुत ही मज़ा आया, बहुत प्यार से बनाया था अमित ने, तो टेस्टी तो बनना ही था। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अपना खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय।